दोस्तों, अगर आपने ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर देखी है तो आपको पता ही होगा कि वॉर में ऋतिक रोशन बेहद ही ज्यादा हॉट और डैशिंग लग रहे हैं। साथ ही दोस्तों, इस फिल्म को देखकर हमें इस बात पर यकीन हो जाता है कि आखिर क्यों ऋतिक रोशन को बॉलीवुड का ग्रीक गॉड कहा जाता है। वही दोस्तों, वॉर को देखने के बाद फैंस को ऋतिक के साथ फिर से प्यार हो गया है। दोस्तों, इस एक्शन एंटरटेनर को देखते हुए आप ऋतिक रोशन से अपनी नजरें हटा ही नहीं पाएंगे। हम केवल ये कह सकते हैं कि ऋतिक रोशन को सही मायनों में मोस्ट हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड घोषित किया गया है। वही दोस्तों, हमारी तरह बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी वॉर में ऋतिक रोशन को देखने के बाद अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाई। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि दीपिका पादुकोण अपने हस्बैंड रणवीर सिंह की फिल्मों को छोड़कर अन्य किसी भी स्टार की फिल्मों पर कमेंट नहीं करती। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा लगता है कि वॉर में ऋतिक की दमदार परफॉर्मेंस देखकर दीपिका पादुकोण अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाई और उन्होंने सबसे शानदार तरीके से ऋतिक पर कॉमेंट किया। दोस्तों, दीपिका पादुकोण ने ऋतिक रोशन को कॉर्नर हाउस के डेथ बाय चॉकलेट से कंपेयर किया है। दरअसल, दीपिका पादुकोण ने वॉर को देखने के बाद अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, ऋतिक इन वॉर इज लाइक डेथ बाय चॉकलेट फ्रॉम कॉर्नर हाउस, जस्ट सेइंग। यानी दोस्तों, दीपिका पादुकोण के हिसाब से वॉर में ऋतिक रोशन कॉर्नर हाउस के डेथ बाय चॉकलेट की तरह है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये डेथ बाय चॉकलेट क्या है, कॉर्नर हाउस क्या है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि कॉर्नर हाउस बैंगलोर सिटी में एक पॉपुलर ईटरी है, जहां पर डेथ बाय चॉकलेट एक डेजर्ट का नाम है, जिसे खाने के बाद एक सोल फिलिंग एक्सपीरियंस होता है। यानी दोस्तों, वॉर में ऋतिक को देखने के बाद दीपिका पादुकोण को सोल फिलिंग एक्सपीरियंस हुआ है। वही दोस्तों, अब इस कमेंट से इतना तो साफ हो जाता है कि दीपिका पादुकोण भी ऋतिक रोशन की दीवानी है और उन्हें ऋतिक की दमदार परफॉर्मेंस काफी ज्यादा पसंद आई है। तो ऋतिक रोशन के तमाम फैंस, आप बताइए कि आप दीपिका पादुकोण के इस बयान को लेकर क्या कहना चाहेंगे। जरूर शेयर कीजिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। और बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टूडियो टॉप चैनल को। जय हिंद।